नमस्कार, टुडे हेडलाइंस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुस्कान और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में आसमान से गिरी आफत, बंगाल में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, बंगाल के 5 जिलों में गिरी बिजली। कर्नाटक चुनावों के लिए बीजेपी तैयार, चुनावों के प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, बीजेपी करेगी कर्नाटक में ताबड़तोड़ कैंपेनिंग। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज, यूपी में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शाइस्ता की तलाश के लिए कई ठिकानों पर की गई छापेमारी। नेपाल में फिर से आया भूकंप, 1.5 घंटे में 2 बार कांपी नेपाल की धरती। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी के अमित शाह के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे कांग्रेस के नेता। भारत में कोरोना से थोड़ी राहत, गिरने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 7,533 नए मामले। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को किया बरी, मुंबई सीबीआई कोर्ट ने दिया फैसला, सबूतों की कमी के कारण सूरज पंचोली को किया बरी। असम सरकार और डीएनएलए के बीच में हुआ समझौता, दोनों ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर, अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस करेगी आज एफआईआर दर्ज। पंजाब से पिछली हार का हिसाब बराबर करने उतरेगी लखनऊ की टीम, कप्तान शिखर धवन की हो सकती है वापसी। निधन के 3 साल बाद रिलीज हुई इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और ताजी खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टुडे हेडलाइंस के साथ।